हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम अष्टांग योग के बारे में पढ़ रहे थे, जो महर्षि पतंजलि ने दिया था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि वो कौन कौन से होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, उनसे हमने क्या बोला, हमें किस पे कंट्रोल, हमारे दिल में, दिमाग में, आत्मा में, बॉडी में, सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, सबके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी, कंट्रोल होगा, रेगुलेशन होगा, ठीक है। तो वो जो पोजीशन है वो किसके द्वारा कर सकते हैं, वो हम योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जो किसने बताई, महर्षि पतंजलि ने बताया। उन्होंने तो ये बताया कि अपने बॉडी के सब जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर क्या करना, उनके ऊपर एक तरीके से मतलब उनके बीच में बॉन्डिंग करना, अपने उस पर अपनी पकड़ बनाना कि दूसरी गलत चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाए, और बिल्कुल हम कैसे रहें, पॉजिटिव रहें, लाइफ में अनुशासन रहे, गलत चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाए, हम अपनी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस रहें, ठीक है। तो उन्होंने किसके द्वारा बताया कि आप किसके थ्रू कर सकते हो, ये चीज़ आप योगा के द्वारा कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ बताई कि उन्होंने बताई, महर्षि पतंजलि ने। अभी नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में है, वो नेक्स्ट आता है। अभी जैसे हमने अष्टांग योग थे उसके बारे में बार बार से पढ़ते चलेंगे, तो पहले देखते हैं वो कौन से थे, फिर उसमें जो हमने पढ़ना है ना वो हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम, अष्टांग योग। इसके बारे में पढ़ रहे हैं अष्टांग योग के बारे में, पहले उनके नाम देखते हैं वो कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, चार हो गए, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, नेक्स्ट कौन सा, प्रत्याहार, अगला कौन सा आता है, धारणा, नेक्स्ट कौन सा आता है, ध्यान, और सबसे लास्ट में कौन सा आता है, समाधि। हो गए 8, ठीक है। ये 8 हैं कौन से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिनको हम अष्टांग योग बोल रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने पढ़ना है, तो हमने यम पढ़ लिया, नियम पढ़ लिया, आसन पढ़ लिया, नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, अब जो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम 4th वाला पार्ट कौन सा ले रहे हैं, प्राणायाम। देखिए कौन सा आप पढ़ेंगे, अब किसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम तो जनरली आपको भी घर में सुनने को मिल जाता है, सांस को लेना छोड़ना, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो सांसें होते हैं उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर रेगुलेशन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, उसमें रहने वाले जितनी भी जरूरी शक्तियाँ जो क्या होती हैं, वो उत्प्रेरित होती हैं, और हमारी जो लाइफ है ना वो क्या होती है, वो एक बैलेंस बनता है उसके अंदर, जब हम अपने सांस पर कंट्रोल कर रहे हैं, उसका रेगुलेशन कर रहे हैं। तो प्राणायाम से क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, सांस पे नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल एंड रेगुलेशन क्या कर सकते हैं, उसका नियमन कर सकते हैं, ठीक है। हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका नियमन कर सकते हैं, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशन की जो प्रोसेस है वो हम कर सकते हैं इसके द्वारा। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, सांस को, बोला जाता है कि आप देखने को प्राणायाम के बहुत सारे चैनल्स भी आते हैं, तो आप किसी लिए कि लंबी सांस भरनी है, फिर आपको वो सांस छोड़नी है, उससे आप क्या कर सकते हो, आपके सांस के अंदर बैलेंस बनेगा, सीधी सी बात है। इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर रहने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो उत्सर्जित होगी, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो उत्प्रेरित होगी, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट क्या बताना है, इसके अंदर क्या होगा कि बॉडी में, बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम पूरी तरह से बैलेंसिंग हो पाएंगे। बॉडी में रहने वाली जो जरूरी एनर्जी होती है, आवश्यक जो एनर्जी होती है, ऊर्जा जो होती है, वो ऊर्जा क्या होती है, उत्प्रेरित होती है, और हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी जाती है। पॉजिटिव
पॉजिटिव एनर्जी का क्या होता है? संचार होता है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी का बॉडी के अंदर फ्लो होता है। इससे क्या होता है, जब बॉडी के अंदर इतना चीज़ें हो रही हैं, आप सांस का कंट्रोल कर सकते हो, उसका रेगुलेशन कर सकते हो, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फ्लो हो रही है, तो इससे क्या कर सकते हैं, अपनी जो लाइफ है ना उसको बिल्कुल नियमित और बैलेंस्ड बना सकते हो, नियमित और संतुलित बना सकते हो। ठीक है, किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आप अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से इसके बारे में पूछ भी सकते हैं और खुद कर भी सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। सांस को रोकना, उसको छोड़ना, रेगुलेशन होता है, अपने आप पे कंट्रोलिंग होती है। नेक्स्ट कौन सा आता है? अगला जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो कौन सा है? देखिए, फिफ्थ है प्रत्याहार। इसके द्वारा देखिए, हमने इस पे तो क्या क्या, सांस की कंट्रोलिंग रेगुलेशन के बारे में पढ़ा, हमने जो यम पढ़ा तो बताया कि सामाजिक अनुशासन, नियम पढ़ा तो व्यक्तिगत अनुशासन, अभी क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हमने पढ़ना है प्रत्याहार कर, मतलब हमारे जो इंद्रियां होती हैं उन इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उनके प्रति हम डिसिप्लिन कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इंद्रियों पर अनुशासन के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने इंद्रियों में बैलेंस कैसे रख सकते हैं, ठीक है, किसके अंदर पढ़ना है, इस प्रत्याहार में पढ़ना है, अपने इंद्रियों के अंदर बैलेंस कैसे रख सकते हैं, कंट्रोल कैसे रख सकते हैं, बॉडी को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, नेक्स्ट अब इसके अंदर आता है, जैसे हमने बताया इंद्रियों पे कंट्रोल से बाहर एनवायरनमेंट है, उससे हम क्या हो जाएं, उससे दूर होना ही। एक अगर साधक की बात करें तो वो क्या होता है, बाहर की जो कंडीशन हो रही है सबको छोड़ो, उनको छोड़ करके क्या करना है, हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनको क्या करना, अंतर्मुखी करना, उन पर पूरी तरह से क्या करना, अपना अधिकार जमा लेना, बाहर की कोई भी चीज़ से हमें इफेक्ट नहीं पड़े। वो क्या होता है, वो इंद्रियों पे कंट्रोल होता है। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मतलब पढ़ते हम बोल इंद्रियों पर अनुशासन वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, बाह्य वातावरण से दूर होकर, उससे दूर हटकर हम क्या करेंगे, हम जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, उसे दूर हट करके इंद्रियों और मन, उनमें क्या कर सकते हैं, हम उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, हम रेगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, उनको क्या बना सकते हैं, हम अंतर्मुखी बना सकते हैं। अंतर्मुखी से समझते हैं आप, एक वर्ड है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, उसका मतलब समझे। देखिए अंतर्मुखी का मतलब होता है कि एक इंसान अगर किसी व्यक्ति के बात, अंतर्मुखी का मतलब अपने आप से रिलेटेड, अपने आप में खोया रहना, बहिर्मुखी का मतलब है बाहरी समाज के कॉन्टेक्ट में, कोई भी चीज़ हो, जैसे मनुष्य का लगा जे, अगर किसी मनुष्य का नेचर हम क्या बोल सकते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी का मतलब है, अंतर्मुखी का मतलब वो इंसान अपने आप में खोया रहता है, बाहरी जो वातावरण है उससे उसका कॉन्टेक्ट नहीं है, और बहिर्मुखी का मतलब है वो व्यक्ति सबसे फ्रेंक रहता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो बहिर्मुखी होता है। तो समझ में आ रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए ना, ताकि मुझे पता चले समझ में आ गया है, कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, वीडियोज को शेयर कीजिए, और ओवरऑल आपको मेरा वीडियोज कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। देखिए ये क्या पढ़ रहे हैं हम प्रत्याहार के बारे में पढ़ रहे हैं, कि ये जो प्रत्याहार है उसके अंदर हमको क्या देखना है, उसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें ऐसे बोले, एक तो व्यक्तिगत अनुशासन बोला अपनी लाइफ में अनुशासन से रहना है, एक प्रत्याहार बोला अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, मतलब बाहरी वातावरण को छोड़ के सारे को, अपना मन, अपनी इंद्रियां, उनको कंट्रोलिंग करना, उनके अंदर बैलेंस बनाना, क्या है, प्रत्याहार है। ठीक है, हम जो साधु वगैरह बोलते हैं, आप खुद सुनते हैं, पुराने टाइम में इतने इतने साल तपस्या करी, उनके दीमक लग जाती थी, वो क्या थे, वो इसी साधना के माध्यम से, वो इसी के क्या, उनके ऊपर उनके अपने इंद्रियों पे कंट्रोल था, इसी के कारण वो क्या कर पाते थे, वो इतने इतने साल जिंदा रह पाते थे, तपस्या कर पाते थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या, खुद पे विजय प्राप्त कर ली थी उन्होंने,
तो इसी कारण से क्या कर सकते हैं हम, इसके द्वारा हम अपनी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों पर क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? ये जो प्रत्याहार का योग है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इंद्रियों पे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक तरीके से देखें ना तो हम यहाँ पे अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप पर क्या कर सकते हैं हम, बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जब हमने क्या करना है, इंद्रियों पे कंट्रोल, हमने क्या बताया आपको स्टार्टिंग से, इस योग में हम क्या पढ़ेंगे इस योग में हम पढ़ेंगे कि हम अपने आप पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बिना दवाई बिना किसी चीज़ के हम अपने आप पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस बना सकते हैं, बाहर की दुनिया हो चाहे हमारी खुद की लाइफ हो, वो चीज़ हमने पढ़नी है। तो देखिए आगे धीरे धीरे किस पे, पहले समाज का आया, फिर खुद का आया, फिर खुद की एक्टिविटीज से रिलेटेड आया, और अभी क्या आया, हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल आया। वही तो क्या है, वही अष्टांग का एक योग है, कौन सा, प्रत्याहार। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे आया आपका समझ में किसके अंदर क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ना है हमने, बार बार से लेंगे सारे, इन बाकी के अंदर जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे होती है, किस किस तरीके से होती है। ठीक है, अगला कौन सा पढ़ने वाले हैं, देखिए पहले हम ले रहे हैं ध्यान को ले रहे हैं, धारणा पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ध्यान को ले रहे हैं यहाँ पे कि जो ध्यान होगा उससे मतलब क्या जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हो सकती है। ध्यान या फिर साधना, देखिए इसके अंदर क्या होगा, यानी कि ध्यान और साधना है इसके अंदर क्या होगा, ये चीज़ हमने पढ़नी है। यानी कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई इंसान टाइम और एक जो लिमिट होती है किसी भी चीज़ से, उससे फ्री होकर के क्या करे, अपना पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर ले, तो वो क्या है, पूरी तरह से वो क्या करता है, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर लेता है व्यक्ति, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको साधना बोलते हैं। ठीक है, कब, जब वो व्यक्ति टाइम के बीच सारी लिमिट से फ्री होकर के जब पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन कर लेते हैं, तो क्या होता है, वो ध्यान होता ही है, वो साधना होती है। व्यक्ति समय और जो सीमाएं होती हैं उनके बंधन से क्या हो जाए, वो फ्री हो जाए, से फ्री हो करके जब क्या करता है, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है, तो वो क्या है, वो साधना है, वो ध्यान है। मतलब वो इंसान ने क्या कर लिया, वही चीज मैंने आपको बताया कि जो ऋषि मुनि थे वो कितने कितने सालों तक जीवित रहते थे और उसी एक ही पैर पे खड़े रहकर तपस्या कर पाते थे, वो क्यों, क्योंकि उनका अपने इंद्रियों पर संयम था, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल था, अपनी बॉडी पे अनुशासन था। वो तो ऐसा आप मूवीज वगैरह में देखते होंगे, ऐसे कोई धार्मिक मूवी आती है, सीरियल्स आते हैं उसमें कि वो इतने इतने साल तक तपस्या करते थे तब जाके भगवान जी के दर्शन होते थे उनको, तो वो तपस्या करे क्यों, क्योंकि उनके अंदर साधना है, उनके अंदर ध्यान है, अपने ऊपर वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों पर अनुशासन कर सकते हैं, अपने मन आत्मा के बीच में संतुलन बना सकते हैं, तो वही क्या होता है, वही ध्यान होता है, वही जो चीज़ है वो लोग करते हैं, तभी वो इतने टाइम तक जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये बात हो गई, इसकी समझ में आ गया होगा, कौन से पार्ट हो गए, ध्यान हो गया इसका अभी जो पार्ट हमने पढ़ा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात आते हैं क्या कि आज के क्वेश्चन क्या, आपका आज का क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा अलग पूछते हैं इससे। अब देखिए मैंने ना आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में कि हमारी जो हार्ट बीट होती है ना उसका वो बताना है आपको, तो वो कितना होता है, 80-120 होता है। ठीक है, 80-120 होता है वो रेशियो हमारे हार्ट बीट का। तो देखिए ये बात हो गई। नेक्स्ट बीपी का, जैसे बीपी तो होता है हार्ट के अंदर, वो प्रोसेस होती है पूरी। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, आज का क्वेश्चन देखिए, आपका आज का क्वेश्चन जो है वो ये है, आपको ये बताना है कि जैसे हवा को मापते हैं, जैसे हम दूध को भी मापते हैं, तो इसी तरीके से यंत्र का नाम बताना है कि आप जो दूध होता है उसको भी, जैसे किसी ना किसी ऐसा कोई ना कोई मीटर होता है जिससे आप मापते हो, आपको बताना है कि जैसे जो ऐसे कॉमन सेंस से लगा, जो डॉक्टर्स जो होते हैं ना, साइंस का क्वेश्चन भी, डॉक्टर जो होते हैं उसके गले में एक
वो देखते हो ना आपको जो वो से बीट लगा के वहाँ पे आप पे लगा के वो चेक करता है, कानों में डाल रखता है, उस उपकरण का नाम बताना है कि उसका नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।